पहला आगाज आपने डबिंग से किया जी सर, उससे पहले भी कुछ करते थे? आवारा कर दी सर मलेच बहुत ज्यादा। अच्छा, वो तो आधा पाकिस्तान करता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ करते थे? नहीं सर, उसके अलावा सिंगिंग का शौक था। अच्छा, मैं सिंगर बनना था। सिंगिंग से एक टर्न हुआ डबिंग की तरफ। सिंगिंग में ये था कि उस वक्त ये जो कैरोके सिस्टम होता है ना, आप म्यूजिकल गा के गा लेते हैं, ये नहीं था इतना यूट्यूब पे भी इतना। बड़ा टेक्निकल वर्ड बोला आपने, कौन सा? कैरियोके। ओके ओके, खाली म्यूजिक जो होता है जिसमें वोकल नहीं होता। हाँ जी जी, इतने पकौड़े भी ला लो थोड़े थोड़े दूर ला रहा, कड़ी पकी है। उसी चक्कर में ना कि यार वोकल रिमूव किया जाए गाने में से और ऊपर गाया जाए। सर वो जब हुआ ना ऐसा कि हमने वो वोकल रिमूव किया, तो फिर हमने एक मूवी ली, हमने सोचा इसमें करेक्टर्स के वोकल रिमूव करके ऊपर कुछ बोलते हैं। फिर हमने वो शंघाई नाइट्स मूवी ली जिसे बट और भट्टी कहा जाता है सर। फिर हमने वैसे बट और भट्टी के लिए बात, क्या बात, क्या वो इस तरह। फिर वो हादसाती तौर पर हम डबिंग की तरफ आए। बा खुदा जानी हम आपके बहुत बड़े फैन हैं सर। मैं यकीन करें इतनी मुझे शौक था इनसे मिलने का। अच्छा, कि एक पता चला जी कि ताहिर नौशाद साहब हमारे घर के पास एक था थिएटर, वहां पे आए हुए, बम्बिनो था शायद गुलिस्तान, तो सर मैं उसके सामने चाय वाली दुकान पे सिर्फ इसलिए बैठा रहा हूँ कि शायद ये निकले और ये बाहर आए। और वैसा ही हुआ, ये अपनी गाड़ी में बैठने लगे तो मैं आगे आके इनसे सलाम ली और फिर मैं मतलब उस वक्त मैं इनकी जो एक डिलीवरी डायलॉग डिलीवरी है ना, एक खास स्टाइल, वो हर बंदे को किसी ना किसी का अच्छा लगता है, मुझे इनका वो बहुत अच्छा लगता है और मैं आज तक इनका फैन। अच्छा, वो जो आप आई शोर के वो जिस गाड़ी में बैठ के बाहर आए थे वो इन्हीं की थी? गाड़ी में बैठ के नहीं आए सर, पैदल आए थी। अच्छा, बाहर गड्डी च हुण मैं यार तुसी जरूर गल इहो जी करनी हुंदी जदों इज्जत होण दी एक पासे सर। हुण मैं तुहानूं मैं उधर टांगे ते आउंदा सी जी। नहीं नहीं नहीं, अब्बा जरूर तुसी बादशाह बणो, बादशाह बणो। ओ टांगे वी उस ते हुंदे सन जिहदे अग्गे घोड़े नहीं सी। हुण मैं की दसां वी उत्थे गड्डी वाले को 150 रुपया किराया मुक्या इन्हां ने गड्डी में गड़ी नूं बैठे असीं ते। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं जानी कि हम तुम्हारे बहुत बड़े फैन हैं, हम चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल के लिए आप काम करें। ना 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 भाई दी गल नहीं ना। क्यों? इन्होंने एक बारी शहनशाह ईरान नु मशवरा दिता सी, वो अपना मुल्क छड़ के इत्थे आ गया। हां, शाह ईरान आया इत्थे आके हैरान हो गया, कहंदा ये भी वेला ते मैं भी वेला। ज्यादातर लोग आपको खबरनाक के हवाले से जानते हैं, बताइए कि उससे पहले आप क्या करती थी? जी मैं 9th क्लास में थी जब से मैं इंडस्ट्री में हूँ, और सबसे पहले ये बात बताइए कि 9th क्लास में थी और आप इंडस्ट्री में आ गई? नहीं, एक्चुअली ये था कि मैं बेस्ट डिबेटर थी शुरू से। तो मैं हमेशा विन करती थी और स्पीचेस करती थी, तो अच्छा बोल लेती थी फिल्मबदी। तो सबसे पहले मैं एक ऑडिशन के लिए आई थी, बेसिकली एक निजी टेलीविजन था रॉयल न्यूज़ के नाम से। तो उन्होंने मेरा ऑडिशन किया था, और आते ही उन्होंने मुझे ऑडिशन के बजाय लाइव ट्रांसमिशन में बिठा दिया। मैं उस वक्त 9th क्लास की स्टूडेंट थी, और मैं एक प्रोग्राम भी किया करती थी उनके लिए ई प्लैनेट के नाम से, होस्ट करती थी। ओके, तो वहां से बेसिकली मुझे ऑफर्स आना शुरू हुई। फिर मैं टॉल बहुत थी, तो मुझे मॉडलिंग के ऑफर्स आना शुरू हुई। टॉल तो आप माशाल्लाह अब भी बहुत है। ऑब्वियसली मैं घिस तो नहीं गई ना उतनी की उतनी हूँ, बिल्कुल, बट ये था कि मेरी घिस से याद आया, आपने घिस घिस कर ली। घिस होता क्या है? छठी घिस नहीं होती बंदे। तो ये मैं कह रही थी कि मेरी खुशकिस्मती ये थी कि आमतौर पे कोई एक्टर्स है ना, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं सब ऑलराउंडर थी। मतलब मैं एक्टिंग भी कर रही थी, ड्रामास भी कर रही थी, और साथ में फिर मुझे जियो न्यूज़ से जब ऑफर आया, तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा इसलिए पहचानी जाती हूँ क्योंकि मैं लगातार 5 साल उनके साथ काम करती रही, साथ साथ मैं ड्रामास भी करती रही। ग्रेट, बिल्कुल। तो उसमें मैंने 1000 डिफरेंट कैरेक्टर्स परफॉर्म किए। शुरली बोतल में रख के ऐसे उसको आग लगाते थे, वो ऊपर जाती थी। हाँ। और ऐसी छोटी शुरली बेची चल जानी। यार बेईमान सिंह जेड़ा तेरा तेनू की मशवरा देता होगा बादशाह? मैं तो अकल ते हैरान है उन्होंने रखिया नाल तू। बस यार मैं इन्हू नहीं रखिया, बस इन्हें मैनू रखिया। इतने सालों आपने इतने बड़े बड़े कॉमेडियंस के साथ काम किया, लेकिन आपका जो यूट्यूब का कॉन्टेंट है बहुत संजीदा है, ये जो कॉम्बो आपने बनाया इसकी क्या खास वजह है? एक्चुअली द थिंग इज़ कि मैं ये समझती हूँ, मैं आवाज़ उठाना चाहती हूँ सब आर्टिस्टों के लिए, कि पाकिस्तान में जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत अंडर एस्टिमेट होते हैं। अच्छा, और इसमें यह है कि जब मैं उस प्रोग्राम का हिस्सा थी, तो मैं बेसिकली वहाँ पे कैरेक्टर एक्ट्रेस भी थी और मैं को होस्ट भी थी। मतलब एक तरफ तो जब कोई गेस्ट आता था, उस प्रोग्राम का बजट बहुत कम था। नहीं नहीं, उस प्रोग्राम का बजट तो अच्छा था, लेकिन आर्टिस्टों को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। ओके। अब वहाँ पर हम लोगों को क्या करना होता था कि पॉलिटिकल सटायर बेस्ड के ऊपर हमें कॉमेडी जनरेट करनी होती थी,
लेकिन जो मेरी क्वालिफिकेशन थी साथ साथ जो मैं पढ़ रही थी, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया हुआ था। वहां जब मैं बात करती थी तो वो मेरा कैरेक्टर नहीं था, मतलब मैं कॉमेडी कर रही हूँ, मैं कैसे सीरियस बात कर सकती हूँ। तो मेरे अंदर एक वो प्यास थी कि मैं लोगों को किस तरह से अपनी चीजें बताऊं, कैसे मैं अपनी रिसर्च शेयर करूं, तो उसके लिए मेरा प्लेटफॉर्म होना जरूरी था। अभी 18 मार्च को मेरी एक फिल्म भी आई है जिसका नाम था गोलगप्पो, कॉमेडी सटायर बेस्ड थी। और उसके अलावा जो है मैं ड्रामास में काम कर रही हूं। तो अभी जुनैरा जी, हम आपसे भी बहुत मुतासर हुए, आपने आफ्ताब इकबाल साहब का इंटरव्यू किया था तो लाखों व्यूज आए थे। आप हमारा अगर इंटरव्यू करेंगी तो एक भी व्यू नहीं। बादशाह सलामत, अच्छा यूट्यूबर बनने के लिए कंटेंट का होना बहुत जरूरी है, वो कैसे बनाएंगे? कंटेंट का होना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं तेरी गल समझ गया। नाज़िम, मैं शर्त लगा सकता हूँ बादशाह सलामत को कंटेंट का मतलब नहीं आता। क्यों नहीं पता हमें कंटेंट का मतलब? बताइए क्या मतलब? जिदे नाल कनाता नहीं मिलदी है। सलामत, आप आपस में मत लड़े, मैं आपको बताता हूँ कॉन्टेंट का मतलब ये होता है कि जिस मौजू सब्जेक्ट मौजू। हाँ पता है, ये बात तो हमें पता है। और मौजू के लिए हमारे नौ रतन जो हैं, वो किस दिन काम आएंगे? जिल्ले इलाही, जान की अमान पाऊं तो एक बार फिर बदतमीजी कर रहा हूं। कार की बदतमीजी कर रहा हूं। जिल्ले इलाही, अब तख्त पे बैठ के भी रियाया के साथ प्रैंक कर रहे हैं। लो, वो तो तख्त पे बैठ के बर्फ बेच लेंगे। और ये ऐसी तख्त पे बैठ के बर्फ बेचते हैं कि इनके पास तख्त है लेकिन बर्फ नहीं है बेचने के। क्या यार, तख्त के ऊपर परांदे बेचने लग पैंदा है। जानी भाई, एक बात बताइए कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो आपने पहले डब की हुई है वो यूट्यूब पे नहीं आ सकती, लेकिन ये जो हमारी लोकल फिल्म्स हैं, ये जो हमारी अपनी फिल्म्स हैं, अगर प्रोड्यूसर इजाजत दे तो क्या आप डब करके उसको यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं? यूट्यूब का अपना एक सिस्टम है ना, अगर वो कॉपीराइट पहले कहीं अपलोड नहीं हुई वो ओके, अगर पहले उन्होंने अपलोड नहीं की। मिसाल के तौर पर अगर आपने मौला जट को डब करना हो, भट्टी साहब से इजाजत ले लें कि जी क्या मैं उसको डब कर सकता हूँ, तो क्या यूट्यूब को इतराज होगा? उन्होंने अगे किनू दी इजाजत जड़ा मैंने देनी है। मिसाल के तौर पर कोई और फिल्म ले लेते, कोई भी फिल्म। सर अगर तो वो पहले अपलोड है किसी ऐसे चैनल पे जो मोनेटाइज है, चूड़ियां फिल्म, हाँ वो अगर तो पहले अपलोड है, कोई भी फिल्म है जो पहले किसी चैनल पे अपलोड है और चैनल मोनेटाइज है, तो मैं जब अपलोड करूंगा तो दो तरीके, या तो मुझे वो ईमेल करेंगे ओके, तो मैं यूट्यूब को, हाँ मैं यूट्यूब को ईमेल करूंगा जी कि मुझे इन्होंने राइट्स दिए। इस आइडिया पे काम करें, इतनी शाहकार फिल्म है, उस पर अगर जानी जो है वो डब करेगा तो इस नौजवान नस्ल को देखने को मौका मिलेगा। सर मैं तो कहता हूँ कई बार के कुछ फिल्में जो फ्लॉप हो जाती नहीं चलती, वो मेनू दे दो, मैं डब करके सही कर दूंगा।